और ब्लॉग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा कोई मकसद नहीं था कि कोई वीडियो ब्लॉग बनाने का, ना ही कोई यानी कि कुछ ध्यान आया ना कि इधर, इस वजह से ब्लॉग बनाने का मकसद नहीं था। आज ये खास ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हमारे कौमी हीरो शायर मशहूर जनाब डॉक्टर इलाम इकबाल की तरीके पैदाइश है और आज 9 नवंबर है ना, तो इस वजह से पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये 9 नवंबर की छुट्टी बंद की हुई थी, जिस वजह से कुछ भाई पढ़ाया तो जाता है लेकिन याद तो बच्चों को वही रहता है जो इस दिन छुट्टी हो या किस दिन, यानी कि हमारे कौमी हीरो की छुट्टी है इस दिन, तो अगर भाई छुट्टी होगी तो बच्चों को यानी कि जहन में याद रहेगा कि ये इस वजह से छुट्टी है, ताकि कुछ उनको भी मालूमात होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम है कि आज उन्होंने छुट्टी की, बहुत अच्छा हुआ। तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चलो अच्छा है, ये छुट्टी हुई है तो इसके बारे में कुछ है अपने डॉक्टर इलाम इकबाल के हिसाब से, जिनके बारे में ज़्यादा मालूमात तो है नहीं मेरे पास, लेकिन थोड़ी बहुत जो है मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर इलाम इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। आप शुरू से ही बहुत ही रहीम थे। डॉक्टर इलाम इकबाल हमारे यानी कि पंजाबी में यानी कि बोला जाता है, यानी कि बड़े लोग कहते थे कि आप एक वली उल्लाह थे, यानी कि अल्लाह के वली, यानी कि वली थे आपने बहुत ही। पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने से पहले आपने ख्वाब देखा था ना मैंने पाकिस्तान बनने का, और आपने यानी कि अपने लोगों में यानी कि अपने मुसलमानों में शऊर पैदा किया वतन हासिल करने के लिए, यानी कि पहला इकदाम आपका था। आप यानी कि जल्दी फौत ही हो गए थे, 1833 को फौत भी हो गए थे। आपकी जिंदगी के बारे में यानी कि बहुत सी अच्छी सी हमें शायरी मिलती है, जिंदगी का मकसद मिलता है कि हम आपसे ये कुछ सीखते हैं, ये मकसद था। आप डॉक्टर इलाम इकबाल यानी कि सियालकोट में मैट्रिक पास की, उसके बाद इंटर जाकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की, और सुना है यानी कि हमें बताया जाता है कि आप जिस उस्ताद से सीखते थे ना, तो वो उस्ताद आपको ये यानी कि वो एहसान यानी कि उसके बेटे का नाम था, वो अपने कंधों पर डालकर यानी कि घर छोड़ आया करते थे आप उस उस्ताद के बेटे को। तो एक दिन उस्ताद ने कहा कि आपको ये एहसान भाई तो नहीं है, तो डॉक्टर इलाम इकबाल ने कहा था जो आप मुझे एहसान दे रहे हैं उससे सो तो कम है, यानी कि आप जो मुझे तालीम या तरबियत दे रहे हैं ये उससे बहुत कम है, ये उस्ताद की इज्जत थी। तो हमने पढ़ा है, सुना है, लिखा है, यानी कि आप उस वक्त टॉपर थे यानी गवर्नमेंट कॉलेज के, यानी कि आपने यानी कि एक नंबर काम हुआ था तो आप पूरी रात रोए रहे थे, यानी कि एक नंबर क्यों काम था। हमारे इधर तो यानी कि 300-400 वाला 33% पास हो जाए तो खुशी ही होती है, लेकिन वो इतने जहीन थे कि उनको एक नंबर भी काम था तो रो पड़े थे। और ये बड़े बड़े बुजुर्गों से यह पता चलता है, यानी कि बाबा मेरे नाना कहते हैं कि आप एक दफ़ा आप घर में बैठे थे यानी कि तो आपने अपने नौकर जो उनके नौकर था उन्होंने कहा जाओ, यानी कि आपके पास वलीउल्लाह, ये मुझे याद नहीं है वलीउल्लाह कौन से थे, दाता हजवेरी थे या बाप फरीद या दाता स्पीकर, इन दोनों में से है यानी कि ज़्यादा मुझे याद नहीं है। आप थे यानी कि आपने उन्होंने कहा अपने नौकर से यानी कि आपके पास आया दाता हजवेरी या बाप फरीद, मुझे यही याद नहीं। तो उस तकरीबन रात के 12-1-2 का टाइम था, तो आपने कहा मेहमान आया तो मेहमान से पूछा आप क्या खाएंगे पियेंगे, यानी कि उन्हें कहा लस्सी पीएंगे सुबह। इस वक्त तो बाबा इलाम इकबाल ने अपने नौकर से बोला जाओ इस चौक पर यानी लाहौर पर कहीं भी है यानी कि लाहौर में, तो आप जाकर ये लस्सी ले आए। तो नौकर कहा इस वक्त कहाँ मिलेगी यानी कि लस्सी, डॉक्टर इलाम इकबाल कर मिलेगी तो तुम जाओ ले आओ। तो वो गया वो यहाँ से वहाँ, यानी कि वो अचानक यानी कि पता नहीं, लेकिन वहाँ लस्सी देने वाला या एक रात 1-2 बजे बैठा था, तो वो लस्सी वहाँ से लेके आया, वो जो मेहमान आए थे वो पी के चले गए। तो वो नौकर के जहन में बात थी यानी कि उन्होंने कहा मैं पूछ लेता हूँ, तो उन्होंने कहा जो आए थे ना वो ये मैं सैदी को नहीं बता सकता, लेकिन वो बाबा फरीद थे या दाता हजवेरी थे, और जो वो लस्सी बेचने वाला था ना वो बाबा फरीद या दाता हजवेरी, इसमें दोनों से एक था। तो वो नौकर जाकर भागा, देखा उसने तो वो वहाँ कोई यानी कि ढाबा लस्सी बेचने वाला नहीं था। ये है इलाम इकबाल, यानी कि अल्लाह के वली थे, उससे अल्लाह वली मिलने आते थे। ये छोटे से मकसद, और ये हमारे कौमी हीरो इनके बहुत ही शायरी है।
आपको तो मुझसे ज्यादा मालूमात होगी। तो ये रिद्धि के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत है। आप यानी कि जब पक्षर बनना था या बन रहा था, आपने ख्वाब देखा, आपके बहुत सी मुश्किल आ था कि अब, लेकिन आप पाकिस्तान जल्दी से जल्दी बनने से फौत हो गए थे। 1836 को जिनके पाकिस्तान 1947 को बना, तो आप जल्दी फौत हो गए। ये है लामी बाल जिंदगी के बारे में कुछ मालूम। और मैं आपको ये क्या लामी बाल जिंदगी, यानी कि हमने शुरू से ज़्यादा तो हमें इन्फॉर्मेशन पढ़ा, ये हमारे तलीम बारे में है कि मुकम्मल स्टोरी नहीं पढ़ाई जाती, यानी कि सिर्फ उनकी पैदाइश और वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े गए, यानी कि या उनको ये नहीं बताया जाता कि हमें कौन सी मुश्किल इलाम इकबाल को आई। ये हमारी तलीम यानी कि सिर्फ उनका रट्टा दिया हुआ है, यानी कि उनके यानी कि कंसेप्ट या यानी कि उनके यानी कि और लाइफ में क्या, यानी कि दीनी तलीम में क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या है बहुत यानी कि होनी चाहिए। जितना हमें रट्टा पढ़ाया गया और जितने हमने थोड़े से मालूमात किताबों से थी, वो हमें थोड़ा बता रहा हूँ जितना यानी कि बड़ों से सुना है। और यही है, आप 1938 को फौत हो गए, और आप आपका मजार जनाब लाहौर शाही मस्जिद सामने, मैं गया था उस दिन एक दफ़ा, यानी कि उनकी देख कर कब्र वगैरह, या बहुत ही हमें यानी कि पुरजोश होता है। तो ये मकसद था हमारे कौमी हीरो जनाब डॉक्टर इलाम इकबाल की जिंदगी के बारे में। शायद आपको मुझसे ज़्यादा मालूमात होगी। अभी मैं नया हूँ, यानी कि ज़्यादा इस तरह में शौक, ये फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो है जिस तरह मैं बना रहा, पहले तो शायद आप उस व्लॉग में देखते होंगे, यानी कि वो थोड़ा से चबले से वगैरह मंगाते थोड़ा सा बना दी जाते, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरह मेरी वीडियो बनाने का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो थोड़ी गलती हो गई हो या जिस तरह यानी कि गलती वगैरह हो गई हो तो सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है या नारी। और कोई अच्छा अच्छा शेर आपको देकर यानी कि सुनाता हूँ। दिल से जो बात निकलती है असर करती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रख मगर रखती है। यानी कि थोड़ा सा यानी कि मैं यानी ऊपर से देख रहा हूँ ना, एक बात, शेर बहुत मुश्किल होते हैं यानी कि पढ़ने में और सुनाने में भी, क्योंकि उस वक्त की शायरी आप बहुत ही यानी कि हाई लेवल, और अब तक यानी कि इतनी मुश्किल है कि उस वक्त की शायरी भी आप हमें मुश्किल लगती है। गिरते हैं सजदों में हम, गिरते हैं सजदों में हम, अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर करते हैं सिर्फ इश्क खुदा में, अगर करते हैं सिर्फ इश्क खुदा में, तो कोई हसरत अधूरी ना रहती, कोई हसरत। इस शायर में यानी कि बहुत ही अच्छा लिखा है कि अपने यानी कि अपने मकसद के लिए हम यानी कि मस्जिदों में जाते हैं, यानी कि अपने एक लालच है, यानी कि हमारे जमाने में लालच, यानी कि हम अपने लालच के लिए यानी कि जन्नत हासिल होगी, यानी कि ये हम नहीं जानते कि हमारे खुदा राजी हो जाए, और ये इसका मकसद है यानी कि मफहूम कहते हैं।